गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक समझेंगे। इसमें फाइबर्स के बारे में देखेंगे। ऑल क्लोथ्स मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो थिन स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर्स। ऐसे सभी क्लोथ मटेरियल्स जो लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, थिन पतले होते हैं, स्ट्रक्चर जो होती है इसकी, इसे फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैनमेड सोर्सेज। फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल हो सकते हैं और मैनमेड सोर्सेज होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और एनिमल्स से इसे बनाया जा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है मैनमेड सोर्सेज, यानी मनुष्य से इसे कैसे बनाया जा सकता है, मनुष्य द्वारा इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे देखेंगे। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, ईटीसी आर मैनमेड मटेरियल्स। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन जो होते हैं ये सभी मैनमेड मटेरियल्स होते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, जो क्लोथ्स को बनाने में यूज होते हैं। फिर आता है प्लांट फाइबर्स जो होते हैं। प्लांट फाइबर, ऑल द प्लांट्स हैव फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। इनके बॉडी स्ट्रक्चर इनके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉटन हो सकता है एंड मैंगो आम हो सकता है। हैव फाइबर्स ऑन देयर सीड्स, ये फाइबर्स रखते हैं, इनके बीज के ऊपर फाइबर्स पाए जाते हैं। कोकोनट ऑन इट्स फ्रूट, कोकोनट में भी फ्रूट पाया जाता है। जूट इन इट्स स्टेम, जूट जो होता है उसके स्टेम में फाइबर होता है। एंड बनाना ट्री इन इट्स लीफ, और बनाना के लीफ पत्ती में फाइबर्स होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर्स जो होते हैं आर वूल, वो ऊन से मिलके बने होते हैं। हेयर ऑफ सीप, जो भेड़ के बालों से बन सकते हैं। एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क से रेशम से बनते हैं। सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़े से रेशम को बनाया जा सकता है। कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप, कॉटन जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप होती है। इंडिया वाज प्राउड इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लोथिंग, इंडिया को इस बात का प्राउड था कि उसने कॉटन को बनाया, जिसको क्लोथिंग में, कपड़े बनाने में बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। कॉटन हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, कॉटन जो यूज किया जाता है उसे इंडिया में यूज किया गया सिंस 1800 BC, 1800 साल पहले, ईसा के 1800 साल पहले उसे यूज किया गया। प्रोडक्शन जो होता है, कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, कॉटन का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में एंड मध्य प्रदेश में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।